हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके का जो पोर्शन बच चुका था, फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नोनी सोलन में, जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली थी उसके एग्ज़ाम के जो जीके पोर्शन था उसको इस वीडियो में टोटली डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। हालाँकि जो हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट था वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बहुत आसान पूछा गया था। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जर्मनी, जर्मनी की मुद्रा क्या है। तो जर्मनी की जो मुद्रा है वो है आपकी यूरो। ऑप्शन नंबर सेकंड इसके लिए बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इन इंडिया, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्ट राफेल एयरक्राफ्ट आर मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो द सॉल्ट राफेल विमान है निम्नलिखित में से किस देश में बने हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी ये सारे थे, जो इसका सही जवाब था वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस में जो है ये जो विमान है जिसका नाम है आपका डसॉल्ट राफेल विमान, ये इस देश में बने हैं, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच कंट्री गेट्स द मोस्ट स्नो ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे अधिक हिमपात किस देश में होता है। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान। Who won the Nobel Peace Prize in 2020? 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता। तो जो इसका सही जवाब था वो है ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका UNWFP ने जो है नोबेल प्राइज पीस के लिए, शांति के लिए जीता। Who is the Chief Minister of Uttarakhand? उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। इस पर भी वीडियो बनाई थी आपके लिए, तो बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी, बहुत कम उम्र में ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो गुटेरेस। विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार किस देश में है। तो सबसे बड़ा जो तेल भंडार है वो है आपका वेनेजुएला में। द वेन्यू ऑफ द 2024 ओलंपिक विल बी, 2024 के ओलंपिक का स्थल होगा, मतलब कहाँ पर खेले जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। बीर बिलिंग इज फेमस फॉर व्हाट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा जिले में बीर बिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो इसका सही जवाब वो है आपका हैंग ग्लाइडिंग, ऑप्शन नंबर ए। विजय कुमार इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो जो इसका सही जवाब है वो है शूटिंग, ऑप्शन नंबर ए। विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड लद्दाख, लाहौल और लद्दाख को के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, मतलब इनको कौन सा दर्रा जोड़ता भी है। तो ऑप्शन नंबर है इसका ए, बारा लाचा। वेयर वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड, जो वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा है, झरना है, वो कहाँ पर है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू। यहाँ पर जो है कुछ जो फ़ोटो है वो कुछ क्लियर नहीं हो पाई है यहाँ पर, जो ये इस तरह का क्वेश्चन था कि जो किब्बर गांव है निम्नलिखित में से किस घाटी में स्थित है। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है कि किब्बर गांव किस घाटी में स्थित है। तो किब्बर गांव जो है आपका वो स्पीति घाटी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। निम्नलिखित में से कौन व्यास नदी की सहायक नदी नहीं है, तो व्यास नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, पब्बर। पब्बर जो नहीं है ये सतलुज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुई मेला मनाया जाता है। तो सुई मेला जो है चंबा जिले में मनाया जाता है, 16 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। किन्नौर वाज अ पार्ट ऑफ, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, तो हिंदी में है, किन्नौर पूर्व में महासू जिले की किस तहसील का हिस्सा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीनी। नलवाड़ी पशु मेला निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो पशुओं का मेला है, नलवाड़ी मेला भी बोलते हैं इसको, ये बिलासपुर में मनाया जाता है पशुओं का मेला,
पशुओं को लाया जाता है जगह जगह से। भारत के विभाजन के बाद प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता प्रेम चोपड़ा हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर चले गए। तो भारत के विभाजन के बाद प्रेम चोपड़ा कहां पर चले गए, ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब, शिमला चले गए थे। हाल ही में हमीरपुर के पद्मश्री से किसे बोतलों में बांस की छड़ियों से लघु चित्र बनाने के लिए सम्मानित किया गया। तो बोतलों में बांस की छड़ियों से चित्र बनाया इन्होंने, तो इसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, करतार सिंह गोखले। हिमाचल बिकेम ए यूनियन टेरिटरी ऑन, हिमाचल एक केंद्र शासित प्रदेश बना। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन HP। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, तो वो बिल्कुल रेणुका है। सुकेत रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सुकेत रियासत की स्थापना की गई थी हमारे बीर सेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। एशिया का पिच बाउल किसे कहा जाता है, तो भाई पिच वैली के नाम से सिरमौर का जो राजगढ़ है उसको कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो हु अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं वही नियुक्त करते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो कि जीके के आए हुए थे, आपको यहाँ से आइडिया लग सकता है कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।